हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्नोलॉजी मास्टर। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ओप्पो रेनो 5 प्रो में आप कस्टम थीम परमानेंटली कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप थीम स्टोर से भी पेड थीम इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, तो मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को आप लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये देखिए, हमने थीम स्टोर ओपन कर लिया। थीम स्टोर चलो पहले ऐसे पूछता है, कंटिन्यू अगर ही कर देना है आपने आगे, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे इसको। कोई भी थीम हमने ओपन कर लेना है जो आपको लगे कि आपको पेड थीम है या आपने परमानेंटली उसको अप्लाई करना है। थीम देख लेते हैं हम, कोई भी थीम। चलिए ये थीम देख लेते हैं, इसको आपने पहले ट्राई आउट करना है। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसके बाद आपने 5 मिनट ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा थीम आपका। ये थीम अप्लाई हो गया। तो इसको अब परमानेंट कैसे करना है, दो फाइल के लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक होगा आप जो थीम स्टोर होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है, एक आपने आई मोड प्रो डाउनलोड कर लेना है। पहले आपने थीम स्टोर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। ये देखिए जी, मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा थीम स्टोर, ये बीटा वर्जन वाला थीम स्टोर है। इसमें आप थीम्स परमानेंटली अप्लाई कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद डन कर देना है आपने। डन करने के बाद आपने आई मोड ओपन करना है, जो आई मोड प्रो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक किया है उसको इंस्टॉल कर ले करके आपने ओपन करना है। ऊपर जो ब्लू बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। ब्लू बटन के ऊपर आपने एक दो बार क्लिक कर देना है। दो तीन बार क्लिक करोगे नीचे आ जाएगा परमानेंटली एक्टिवेटेड, तो वो आपका थीम जो होगा परमानेंटली एक्टिवेट हो गया है। ये थीम के ऊपर 5 मिनट का ट्रायल कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो फ़ोन के ऊपर। इसमें आप कस्टम थीम्स भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो ये वाला थीम है, ये इसके ऊपर थीम्स और फोन्स अप्लाई नहीं होते। अगर आपको आपने रिवर्ट करना है, आपको अगर नहीं चाहिए ये थीम स्टोर, तो आपको थीम स्टोर के ऊपर टैप एंड होल्ड करना है, फिर ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, फिर ऊपर होगा ऊपर कॉर्नर पे 2 डॉट का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देना है। अनइंस्टॉल अपडेट्स करने के बाद थीम स्टोर आपका वो वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला, और आपका ओरिजिनल थीम स्टोर वापस आ जाएगा। तो आप वापस से अपने वो थीम्स जो भी आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।